कोरोना वायरस महामारी का कहर बरकरार है। इस महामारी का असर पहले के मुताबिक कम देखने को मिल रहा है। इस महामारी का शिकार आम जनता से लेकर कई मशहूर हस्तियां होती हुई नजर आ रही हैं और इस महामारी के चलते कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया है। लाखों से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल भारत देश ने एक मशहूर हस्ती को खो दिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देश के महान धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया भर में भारत देश का नाम रोशन कर देने वाले एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह ने बीते शुक्रवार की रात अंतिम सांस ली। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया इस घातक महामारी के चलते। इस महामारी का शिकार वह बीते कुछ दिनों पहले हुए थे। चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में मिल्खा सिंह का इलाज चल रहा था। हालांकि इस महामारी से वह जंग जीत चुके थे। उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ चुका था, लेकिन इस महामारी से ठीक होने के बाद इस महामारी की जटिलताओं के कारण मिल्खा सिंह अपनी जिंदगी से जंग हार गए। बीते कुछ दिनों पहले ही मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। वह भी कोविड-19 की चपेट में आ चुकी थी। इस वक्त समझ सकते हैं कि मिल्खा सिंह के पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरा परिवार बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रहा है। वहीं मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं राजनीति, क्रिकेट की और टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री की हस्तियां भी। सभी अपने दुख को बयां कर रहे हैं। दरअसल हमने एक महान धावक को खो दिया है। मिल्खा सिंह ने अपनी खास पहचान बनाई दुनिया भर में, लेकिन इस महामारी के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल Next9 न्यूज में और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राची राठौर। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मिल्खा सिंह के बारे में, उनके पूरे परिवार के बारे में। हम बात करेंगे कि किस तरह से मिल्खा सिंह का पूरा परिवार बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रहा था उनके साथ, लेकिन आज उनके परिवार की हालत बेहद दर्द भरी है। मिल्खा सिंह के परिवार में कौन कौन है, हम बात करेंगे उनके बच्चों के बारे में। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान धावक मिल्खा सिंह ने बीते शुक्रवार की रात 11:30 पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल कोविड-19 महामारी से मिल्खा सिंह जूझ रहे थे। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया था। कोरोना वायरस महामारी से जंग जीतने के बाद अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में एक बार फिर से एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने वो तमाम कोशिशें की कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन मिल्खा सिंह क्रिटिकल कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाए। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने अंतिम सांसें ली। बताना चाहेंगे आप सभी को मिल्खा सिंह के पूरे परिवार के बारे में, उनके परिवार में कौन कौन है और कितने दर्द भरे दौर में है मिल्खा सिंह का पूरा परिवार। गहरे सदमे में है मिल्खा सिंह का पूरा परिवार। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि मिल्खा सिंह से पहले कुछ दिनों पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वह भी कोविड-19 की चपेट में आ चुकी थी और कोविड-19 से आई जटिलताओं के कारण निर्मल कौर 85 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मिल्खा सिंह भारत के एक ऐसे इकलौते एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ खेलों में अपनी
खास पहचान बनाई, गोल्ड मेडल अपने नाम किए और इसके अलावा भी उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली थी। बताना चाहेंगे आप सभी को कि साल 1962 में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी निर्मल कौर के साथ वह शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी कोलंबो में और मिल्खा सिंह और निर्मल कौर के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं जिनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह ने मिल्खा सिंह के सपने को पूरा किया। जीव मिल्खा सिंह आज के समय में एक जानी मानी हस्ती हैं। जीव मिल्खा सिंह ने अपने पिता की तरह ही नाम कमाया है। एथलेटिक्स के बाद गोल्फ मिल्खा सिंह का दूसरा प्यार था। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने गोल्फ खेलकर अपना ज्यादातर समय बिताया था। चंडीगढ़ में अपने आलीशान घर में वह अपने परिवार के साथ रहा करते थे, तो वहीं चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे मिल्खा सिंह। गोल्फ के वरिष्ठ खिलाड़ी कहते हैं चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की उनका दूसरा घर था। यहाँ पर वह घंटों बिताते थे, ना थकते थे और ना ही जल्दी हार मानते थे। वहीं गोल्फ में दिलचस्पी होने के चलते ही उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फर हैं और मिल्खा सिंह का नाम उन्होंने रोशन किया है। बताना चाहेंगे आप सभी को मिल्खा सिंह के पूरे परिवार के बारे में कि किस तरह से उनका पूरा परिवार दर्द भरे दौर से गुजर रहा है और अपने दुख को बयां करते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि किस तरह से मिल्खा सिंह की डॉक्टर्स ने देखभाल की, वहीं उनके बच्चों ने, और अंतिम समय में मिल्खा सिंह की हालत इतनी दर्द भरी हो गई थी कि उनके परिजनों ने एक बड़ा और दर्द भरा फैसला भी लिया था। दरअसल जब बीते शुक्रवार के दिन उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी तो PGI के डॉक्टर्स ने कहा उन्हें वेंटिलेटर पर रखना होगा, लेकिन परिजनों ने मिल्खा सिंह को वेंटिलेटर पर रखने से मना कर दिया। दरअसल उन्हें आभास हो चुका था कि पत्नी निर्मल कौर के गुजर जाने के बाद मिल्खा सिंह काफ़ी दर्द भरी हालत में हैं, उन्हें काफ़ी याद कर रहे हैं। वेंटिलेटर पर उनके जीवन को खींचना परिजनों को ठीक नहीं लगा। पत्नी के साथ उनका जबरदस्त बॉन्ड था, अपनी पत्नी को वह काफ़ी याद कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि 2 दिन से वह अपनी पत्नी को काफ़ी याद कर रहे थे, उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी थी और उनके परिजन नहीं चाहते थे कि अंतिम समय में वह बिना किसी कष्ट के शांतिपूर्ण अंतिम यात्रा पर जाएं। डॉक्टर्स ने उनकी देखभाल की तो वहीं उनके परिवार के सदस्यों ने भी। खबरों की माने तो सामने आया है कि मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित उनके घर पर ले जाया गया है और उनके घर पर माहौल बेहद दर्द भरा है। मिल्खा सिंह के घर पर मौजूद हैं उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह की पत्नी कुदरत मिल्खा सिंह, वहीं उनके बेटे हरजय मिल्खा सिंह और साथ में मिल्खा सिंह की बेटियां मोना सिंह और सोनिया सिंह भी मौजूद हैं। मिल्खा सिंह के गुजर जाने पर उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने बयान जारी किया और बताया कि मेरे पिता का निधन 11:30 पर हुआ। शुक्रवार को उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन भगवान के अपने तरीके हैं। यह सच्चा प्यार और साथ था। 5 दिन में माँ और पिता दोनों चले गए। हम PGI के डॉक्टर्स की उनके साहसिक प्रयासों और दुनिया भर से मिले प्यार और प्रार्थनाओं के आभारी हैं और इन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि मिल्खा सिंह के बेटे उनकी बेटियां कितने दर्द भरी हालत में हैं। हर किसी की आंखें नम हो रही हैं उनके परिवार की दर्द भरी हालत देखकर। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में मिल्खा सिंह के परिवार, जाना आपने उनके परिवार के बारे में। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी अब हमारे बीच नहीं है, तो वहीं आप समझ सकते हैं उनके बच्चों की दर्द भरी हालत को। सोशल मीडिया पर लगातार सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने दुख को बयां कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही।